हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिसिप्लिन एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर बीएड। देखिए, हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप बीएड क्वालिफाइड हैं तो बीएड के बाद कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और अगर कोई बीएड करना चाहता है या करियर अपना करियर बनाना चाहता है टीचिंग में, तो उसके लिए भी ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, स्किप नहीं करना है इसको, अंत तक देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके की करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आप बीएड क्वालिफाइड हैं तो। तो सबसे पहले समझते हैं लोगों के लिए जो टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि अगर आप टीचिंग में आना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज याद रखेंगे, अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है तो जरूर आए। टीचिंग एज अ प्रोफेशन आप उसको कंसीडर करें, और आपकी टीचिंग स्किल्स अच्छी हैं, सब्जेक्ट में कमांड है, आप चिल्ड्रन से प्यार करते हैं, तो डेफिनेटली आप टीचिंग प्रोफेशन में आए। दूसरी चीज यह है कि आप अपना ये देखें एकेडमिक आपका अच्छा है। एकेडमिक से मींस मेरा है हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है तो डेफिनेटली उसका कहीं ना कहीं एडवांटेज आपको टीचिंग में जरूर मिलता है। दूसरी चीज, जब आप बीएड करना चाहते हैं तो बीएड करने से पहले आपके एटलीस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो भी आपको कंसीडर किया जाएगा। नहीं है, मान लीजिए किसी वजह से आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है, तो आप पोस्ट ग्रेजुएट में आपके 50% मार्क्स होना चाहिए। तो पोस्ट ग्रेजुएट के बिहाफ पे आपको बीएड करना होगा। दूसरी चीज, जब आप बीएड अपना कंप्लीट कर लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आफ्टर बीएड आप टीचर बन जाते हैं, नहीं। उसके बाद आपको एक और टेस्ट क्वालिफाई करना होता है जिसको बोलते हैं टेट, चाहे वो एस टेट हो मींस स्टेट का टेट हो या फिर सी टेट हो। स्टेट का टेट जब भी आप क्वालिफाई करेंगे तो क्वालिफाई करने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ स्टेट के लिए एलिजिबल हैं। जब आप सी टेट क्वालिफाई करते हैं तो सी टेट क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट याद रखेंगे हर एक स्टेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मान लीजिए अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं, अगर आपने यूपी टेट क्वालिफाई किया तो सिर्फ आप सिर्फ वो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सिर्फ यूपी के लिए रहेगा। और अगर मान लीजिए आपने सी टेट क्वालिफाई किया है तो आप यूपी के लिए भी एलिजिबल हैं, आप दिल्ली के लिए भी, आप एमपी यानी किसी भी स्टेट में आप टीचिंग की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज बहुत ध्यान से आपको समझ लिया। अगर आप स्टेट लेवल पे ही देखना चाह रहे हैं, यूपी के मान लीजिए अगर अपने स्टेट की ही आप वैकेंसी को देखना चाह रहे हैं तो इट्स ओके, आप अपने स्टेट लेवल का टेट क्वालिफाई करें। अगर नहीं तो आप सी टेट जरूर क्वालिफाई, क्योंकि सी टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सी टेट अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको कई सारी अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती है। तो उसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कौन कौन सी ऑप्शन है जब आप बीएड कर लेते हैं। बीएड करने के बाद याद रखेंगे जब आप करियर अपना करियर बनाना चाह रहे हैं टीचिंग में, तो जैसे ही आप बीएड करें या आफ्टर ग्रेजुएशन आप पढ़ाना शुरू कर दें, पढ़ाने से क्या होगा आपकी टीचिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी। तो इस चीज को खास ध्यान रखेंगे, आप ये नहीं सोचना है कि जॉब लगेगी तो फाइनली गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाके अपनी जॉब स्टार्ट करूंगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको जब भी मौका मिले मतलब पढ़ाना शुरू कर दें। दूसरी चीज यहां पर एक ये याद रखनी है, जब आप टेट क्वालिफाई हो जाते हैं तो कई सारे सीबीएसई स्कूल हैं वो आपको कंसीडर करेंगे, तो आप वहां पर अप्लाई करते हैं। क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर की बात आती है, गवर्नमेंट जॉब अगर इजिली अभी नहीं लग रही मान लीजिए, तो आप प्राइवेट सेक्टर में ट्राई करें और प्राइवेट सेक्टर में अपनी जॉब सिक्योर कर लें। साथ साथ आप तैयारी करते रहें, तैयारी करेंगे तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपकी जॉब लग जाएगी। उसके साथ साथ हम समझेंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर में, देखिए प्राइवेट अगर हम स्कूल से सीबीएसई स्कूल की बात करें तो यहां पर अपॉर्चुनिटी आपके एक ही है कि आपको टीचिंग करनी है। लेकिन जब हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो यहां पर कई सारे ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे जैसे केंद्रीय विद्यालय है, आपका नवोदय विद्यालय है, दिल्ली का डीएसएसबी है, या फिर आप ये समझ सकते हैं ईपीएस है, तो इन सभी में आप अप्लाई कर सकते हैं। इन सब में आप अप्लाई करेंगे, एटलीस्ट आपके पास बीएड होगा, आपके पास सीटेट है, नहीं है तो आप कर लीजिएगा, तो आप इन सब में क्वालिफाई करते हैं। वो डजेंट मैटर के हो सकता है पीआरटी और टीजीटी में आपसे बीएड और टेट मांगे, हो सकता है कि पीजीटी में नहीं मांगे, कुछ जगह मांगते हैं कुछ जगह नहीं मांगते। तो बट आपको ये याद रखनी है, जब आप टीचिंग प्रोफेशन में जा रहे हैं
तो आपको क्या 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 चीजें क्लियर कर लेनी है। बीएड आपका हो गया, बीएड के बाद टेट हो गया, सी टेट भी आप क्वालिफाई करके रखें। सी टेट के बाद अगर स्टेट लेवल में आती है मान लीजिए, तो यूपी टेट के बाद सुपर टेट हो जाएगा। और अगर सी टेट के बाद आप देखेंगे तो सी टेट के बाद भी एक एग्जाम होता है, चाहे वो आप एपीएस का ले लीजिएगा, चाहे आप केबीएस का ले, डीएसएसबी, सभी एक एग्जाम कराते हैं, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होता है। तो ये तो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कभी आपको ये नहीं समझना है कि हमने टेट क्वालिफाई कर लिया और वी आर अ टीचर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि उस स्टेज को पार करने के बाद काफी हद तक आप टीचर बनने के लायक हो जाते हैं, यानी आपकी एलिजिबिलिटी ये हो जाती है कि अब टीचर की एज अ टीचर कंसिडर किए जा सकते हैं। तो इसी से खास ध्यान रखेंगे। और उसके बाद आपको ये चीज और याद रखनी है कि स्टेट लेवल पे जब हम बात कर रहे होते हैं तो कई सारी हमारी जो वैकेंसी है वो आती है यहां पर, जैसे पीआरटी होता है, प्राइमरी के लिए होता है, टीजीटी है, पीजीटी है। अगर हम पीआरटी की बात करें तो पीआरटी में जब भी आप अप्लाई करेंगे, याद रखेंगे पीआरटी के लिए आप जब भी अप्लाई करेंगे तो आपको कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, आपको कई सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। हो सकता है आपको सी टेट यूपी टेट में 5 सब्जेक्ट हैं, उसके बाद जब आप सुपर टेट जाएंगे तो और आपको सब्जेक्ट बढ़ जाएंगे। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी सब्जेक्ट की बात आएगी तो आपको कई सारी चीजों से गुजरना पड़ेगा और अच्छे से उनकी तैयारी करनी होगी, और डेफिनेटली आप सीटेट सुपरटेट क्वालिफाई करेंगे और आप अपनी जॉब अपनी सीट रिजर्व करेंगे। थैंक यू। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।